इंडिया पाकिस्तान दोबारा। जी हाँ, सुपर फोर्स डिसाइड हो चुके हैं एशिया कप में और संडे को इंडिया और पाकिस्तान दूसरी बार आमने सामने होगा इस एशिया कप में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था जो पाकिस्तान को जीतना था हांगकांग के सामने, और जीता आसानी से नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। 11वें ओवर में मैच ही खत्म हो गया जब हांगकांग टीम चेस करने आई, और क्यों ना हो, जब 193 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान टीम ने रखा हो तो मुझे लगा चूक हो गई हांगकांग से। ऑप्शन था पहले बल्लेबाजी करने का हांगकांग के पास, पर उन्होंने चेस करना पसंद किया और बोर्ड पे पाकिस्तान के प्लेयरों ने रन लगा दिए। अर्धशतक मोहम्मद रिजवान द्वारा, अर्धशतक फखर जमान द्वारा, लगातार रन्स आते रहे और आसानी से, खैर आसानी से नहीं कहूंगी क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी पिच शारजा की थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और समय लिया दोनों प्लेयर्स ने, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर के पास तो बहुत अच्छा मौका होता है ना हाथ खोलने का, और जब 193 रन बोर्ड पे लगे हुए हो तो यकीनन दबाव तो आएगा। वो दबाव पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बखूबी हांगकांग के बल्लेबाजों पे रखा। जब शुरुआत में रन्स नहीं निकले और जब स्पिनर्स आए, पहले तो नसीम ने अच्छी गेंदबाजी करी और फिर जैसे ही स्पिनर्स आए, नवाज ने विकेट ली, एक ओवर में इनफैक्ट दो ली, और फिर जब शादाब खान आए तो वो तो 4 विकेट्स लेके हांगकांग को बिल्कुल पस्त कर गए। आसान से जीत प्राप्त करी और पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सुपर फोर्स में मैच पक्का किया। एक बार तो भारतीय टीम ने अच्छी खासी जीत हासिल करी 5 विकेट से पाकिस्तान के ऊपर, पर दूसरे मुकाबले में क्या रिजल्ट सेम रहेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पाकिस्तान की टीम बहुत रिलायंट है बाबर आजम के ऊपर, मोहम्मद रिजवान के ऊपर, क्योंकि वो दोनों प्लेयर्स हैं ही इतने शानदार। पर बाबर आजम का बल्ला अभी तक दोनों मैचेस में चला नहीं है। 10 रन पहले मैच में, 9 रन दूसरे मैच में, तो कहीं ना कहीं ही इज ड्यू फॉर रन्स, या ये कहें कि थोड़ा सा दबाव रहेगा बाबर आजम के ऊपर जब भारतीय गेंदबाज उनके सामने रहेंगे और एक बड़ा मुकाबला रहेगा। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को ऐसी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि भारतीय टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने रन्स बनाए थे, हांगकांग के विरुद्ध भी रन्स बनाए, फखर जमान का बल्ला चला हांगकांग के विरुद्ध, और जो मिडिल ऑर्डर है उस पर तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान टीम में दबाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का बेहद अहम रहेगा अगेंस्ट द इंडियन सीमर्स एंड स्पेशली द मिसिंग लिंक रविंद्र जडेजा। जी हाँ, रविंद्र जडेजा रिप्लेस हो चुके हैं एक बार फिर, वही चोट जो उनको तंग कर रही थी जिस वजह से वो वेस्टइंडीज का दौरा नहीं कर पाए थे, अब एशिया कप में और हिस्सा नहीं लेंगे और उनके रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल आए हैं भारतीय टीम के अंदर। बहुत मेमो फास्ट मिला है कि जल्दी पैक करिए सामान और जल्दी पहुंचिए क्योंकि अगला मुकाबला दुबई में है और वो भी आप रिप्लेस करेंगे रविंद्र जडेजा को। 11 में रिप्लेस करेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, बट जहां तक मुझे लगता है रिप्लेस जरूर करेंगे क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। देखिए, जहां तक फील्डिंग की बात है, मुझे लगता है दोनों ही बहुत शानदार फील्डर हैं। ऑफकोर्स रविंद्र जडेजा थोड़ा सा एज रखते हैं, एज तो वो एक्सपीरियंस द्वारा वैसे ही रखते हैं अक्षर पटेल के ऊपर, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन, अच्छे फील्डर और खास तौर पर लेफ्ट हैंड अप बैटर, मुझे लगता है दोनों ही बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, और क्योंकि जडेजा अवेलेबल नहीं है सो अक्षर पटेल माइट गेट अ लुक इन। एक बहुत अहम सवाल जो भारतीय टीम के पास रहेगा कि अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध, तो चलिए हार्दिक पांड्या तो अंदर आएंगे ही क्योंकि ऋषभ पंत आए थे हांगकांग के मुकाबले के अगेंस्ट, तो क्या हार्दिक पांड्या जब अंदर आएंगे ऋषभ पंत रहेंगे? मुश्किल है क्योंकि अगर ऋषभ पंत बाहर जाएंगे, और दूसरे रविंद्र जडेजा के लिए अगर अक्षर पटेल आएंगे फिर तो बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन अगर अक्षर पटेल नहीं आते तो फिर कौन आएगा? क्या अश्विन आएंगे या भारतीय टीम ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों के साथ जाना चाहेगी? नहीं, 6 गेंदबाज बेहद अहम है भारतीय टीम के लिए और 6 गेंदबाज प्रॉपर गेंदबाज होने बहुत जरूरी। आवेश खान का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ठीक है, सफलता मिली थी लेकिन बहुत बढ़िया नहीं गया, और हांगकांग के विरुद्ध तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, रन्स पड़े थे, और वो रन्स हर बार भारतीय टीम कवर अप नहीं कर पाएगी, कम से कम बड़े मुकाबलों के अंदर तो आपको इस चीज का अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है केवल 2 रिप्लेसमेंट्स होंगी, हार्दिक पांड्या अंदर आएंगे और अक्षर पटेल अंदर आएंगे इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत एंड रविंद्र जडेजा। इंडियन 11 अगेंस्ट पाकिस्तान इन द बैटिंग ऑर्डर: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक,
अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजविंदर चहल, अर्शदीप सिंह एंड आवेश खान। एक बेहद अहम सवाल है कि जो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर में, और खासतौर पर इंडियन बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए या ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके के खिलाड़ी बैठे हैं, प्लेयर्स बैठे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ईजी वर्ड है ड्रेसिंग रूम के अंदर होना या डगआउट के अंदर होना, क्योंकि इतना टैलेंट है। पर क्या बस इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी फायदेमंद है भारतीय टीम के लिए? वक्त बताएगा, लेकिन मुझे एज अ बैटर फिर भी लगता है कि हर बल्लेबाज को ये पता होना चाहिए कि उनका टीम के अंदर क्या रोल है। आई एम श्योर प्लेयर्स को पता होगा क्योंकि सभी अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी बतौर बल्लेबाज जब आपको पता है कि आप नंबर 3 खेलेंगे या 4 खेलेंगे, अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा समय रीज़न ऐसे आया कि आपको शफल करना पड़ गया, लेकिन फिर भी मैं कह रही नंबर 5 और नंबर 6 की भी जगह ऑलमोस्ट पक्की होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छा शब्द है, बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि बल्लेबाजों को पता होना चाहिए कि वो किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में कौन से बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट कहाँ खेलेंगे। अगर ये क्लैरिटी है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो आई एम श्योर इंडियन टीम के पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो ये शब्द फ्लेक्सिबिलिटी का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है? कोई बदलाव आप देखना चाहेंगे भारतीय टीम के अंदर, या असंतुष्ट हैं जिस तरीके से चेंजेस फोर्स्ड और चाहते हुए भारतीय टीम ने करे हैं? आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। हमेशा ऑप्शन है सब्सक्राइब करने का, तो एक्सरसाइज करिए ना वो ऑप्शन, करिए सब्सक्राइब। बहुत सारी क्रिकेट है और बहुत सारी क्रिकेट आने भी वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। भारतीय टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरी बार खेलने वाली है।